ये पूरे नेचुरल कलर की पेंटिंग, जो मैं भी पहले भी बता चुका इसके बारे में, नेचुरल कलर से बना हुआ है, कभी रिस्टोरेशन नहीं हुआ इसका। और पहले जब महाराजा जीत के आता, कोई सी भी लड़ाई जीत के आ गया ना वो, तो वो आकर यहाँ नीचे खड़े होते थे राजा। फिर ऊपर जो खिड़की है, देखो अभी कोई दिख रहा है वहाँ से, थोड़ा थोड़ा बच्चा दिख रहा है वहाँ से, रानी जी फूल डाल के राजा का स्वागत करती थी फूलों से जीत के आने के बाद में। और बिना जीते आ गया तो फूलों की जरूरत है ही नहीं, आप भी जानते हैं, दुनिया चढ़ते सूरज को नमस्कार तब भी और अब भी। अब आइए अंदर चलते हैं दीवाने खास में। ये नेचुरल कलर का पेंटिंग, और इस पेंटिंग के अंदर देखो फ्रूट बास्केट, मदिरा, गिलास, मतलब ऐसी आकृतियाँ आज भी ऐसे किसी नेचुरल लोग छूते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ हो गया वो ना, देखो ये कितना अच्छा है। और अब देखो अंदर की पेंटिंग, ये पेंटिंग दिखाओ, एक तो ये पेंटिंग और एक आगे का पेंटिंग 24 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है, सोना। तो ये जो ब्राउन कलर है ये गोल्ड है, यहाँ से तो ब्राउन दिख रहा है अपने को, और ब्लू कलर है, ब्लू सफायर, एक नीलम होता है नगीना उसका कलर है। इसकी खासियत यह है कि जैसे अपन यहाँ से देख पा रहे हैं तो ये ब्राउन नहीं लग रहा है, लेकिन अपन महल के अंदर एंट्री करेंगे तो ये शाइनिंग होके गोल्ड पूरा दिख जाएगा। ये आप इस देखो, इसको दिख रहा है ना गोल्ड, उस जमाने के आर्किटेक्चर, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट थे उस जमाने में, कंप्यूटर था नहीं, फिर भी देखो देखते ही बनते इनकी आकृतियाँ। और इस वाले का गोल्ड यहाँ से दिखेगा, यहाँ जाओ, हाला ये 24 कैरेट नेचुरल गोल्ड का पेंटिंग। हाँ जी, और अब अपन चल रहे हैं दीवाने खास में, आइए। ये दीवाने खास, और ये खूबसूरत गार्डन है ना, इसका नाम है मुगल बाग, और चार बाग भी बोलते हैं क्योंकि ये चार बागों में डिवाइड है, ऐसे सीधी लाइन है, फिर एक ऐसी आड़ी लाइन है। इसके अंदर जो स्टार बना हुआ है मिडल में, वहाँ पर फाउंटेन चलते थे उस जमाने में भी। आइए थोड़ा आगे आओ, महारानी जी बाहर नहीं जा सकते थे, दीवाने खास है तो वो हमेशा अंदर ही रहते थे। अगर अपन किसी को भी मान लो अपने को ही कोई ज़्यादा देर अंदर अंदर रखेंगे कितना रह पाएंगे, इरिटेशन बढ़ेगा, इसलिए राजा ने रानी जी के लिए बगीचा बनवा दिया कि मैडम यहाँ घूम लीजिए, बाहर तो जाना था नहीं, तो ये रानी जी के लिए बनवाया गया था। और राजा रानी दोनों ही घूम लेते थे, मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक। और इसके अंदर कहने को जश्न भरा, जोधा अकबर का गाना भी शूट हुआ था यहाँ। हाँ जी, आप चल रहे हैं, इसका जो मेन अट्रैक्शन है आमेर महल का, यह है शीश महल। इसका निर्माण कराया था मिर्जा राजा जयसिंह जी ने, मान सिंह जी के पोते ने, और उनके दो रानी थी, एक सूरज कंवर और एक चंद्र कंवर। दोनों रानियों के लिए दो रूम बना रखे हैं, जो सामने देखेंगे वो कमरा दिख रहा है वो एक रानी का है, सूरज कंवर का, और उधर की तरफ दूसरी रानी है, और बीच में राजा रहते थे, क्योंकि अगर रानियों को साथ रख दिया तो लड़ाई होने का खतरा बना रहता था, तो महाराज रिस्क नहीं लेते थे, पहले अलग अलग रखते थे। यहाँ पर्दे लग जाते थे, पर्दों का जो कुंदे दिख रहे हैं ना, फिर इसके नीचे, हाँ तो इसके नीचे तेल के दिए जलाए जाते थे, यहाँ पर तेल के दिए जलते थे, और जो वो लाइट होती थी उसका रिफ्लेक्शन इस कांच में ऐसे आता था जैसे तारे। अभी मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ये कांच बेल्जियम का है, बेल्जियम से लाए थे उस जमाने में। आओ, नाउ सी सेंटर ऑफ द सीलिंग, कैन यू सी स्मॉल स्मॉल स्पार्कलिंग लाइट फ्रॉम माय मोबाइल। ये देखो मोबाइल का जो ये फ्लैश लाइट है ना, वो स्पार्कलिंग हो रही है ऊपर कांच में, देखा आपने। और अब सामने देखो दीवार में, पहले इस महल को वर्ल्ड हेरिटेज में ले लिया गया है यूनेस्को में 2013 में, 2013 से पहले ये खुला हुआ था शीश महल, इसके अंदर भी जाते थे, अंदर जाकर नेचुरल तरीके से मोमबत्ती से दिखाते थे, लेकिन उसके बाद में यूनेस्को होने के बाद में बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे आते हैं, एक मैं तो ये कहूँगा एक प्रजाति होती है, वो प्रजाति कोयला लेकर चलती है अपने साथ, और वो दिल का निशान बनाएंगे, नाम लिखेंगे कौन किससे प्यार करेगा, इसकी वजह से ये बंद हो गया। देखो अब नहीं जा सकते, अब यहाँ आइए सर। ये पूरा एक मार्बल का पीस है, इसको ऐसे कार्विंग करके छेनी और थोड़ी सी एक पौधा बनाया गया है, दो तितलियाँ हैं, और देखो पत्तियों को कैसे मोड़ दिया, केवल छेनी है थोड़े के बल पर। अब इसके अंदर सो मनी डिजाइंस है, कितनी डिजाइन है वन बाई वन दिखा रहा हूँ। अब यहाँ देखो आप, ये बिच्छू दिख रहे हैं, स्कॉर्पियन डिजाइन बिच्छू, ये केकड़ा क्रैब, नाग नागिन फन उठाए हुए हैं दोनों, ठीक है, हाथी का सूंड,
शेर की पूंछ, ये नीचे वाला, और ये मछली, ये तितली हो गई, ये मधुमक्खी हनी बी, हिरण का सिर बारहसिंगा, चींटी और हाथी का कान, ऐसी डिजाइनें होती है। और ये जो मार्बल है सेम ऐसा ही मार्बल ये है, लेकिन इसके अंदर हार्ड वर्क किया गया, नारियल का छिलका होता है कोकोनट ग्रास, उससे ऐसे रगड़ रगड़ के पॉलिश की गई थी। इसमें 6 वर्ष का समय लगा है इसको पॉलिश करने में, और ये इतना स्मूथ हो गया, आप हाथ लगा के देखें कितना ठंडा और चिकना है। इसके अंदर ओरिजिनल देखो, यहाँ इधर आओ आप, ओरिजिनल मार्बल की पहचान देखिए आप, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है आर पार पत्थर में से, ऐसा उस जमाने में। ये है मुगल आर्किटेक्चर, ऐसा दरवाजा बनाया ऊपर ये लगाया, ये मुगल इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गया। आगे आए, यह है हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर, तो ये तो राजा का हो गया निवास, और दोनों रानियां दोनों तरफ हो गई। यहाँ पर जितने भी सैलानी आते हैं वो कांच में फोटो लेके जरूर जाते हैं। ऐसे देखो, अगर आप मेरे को कांच में दिखाएं तो देखो, इसमें देखना मेरे को, इसकी तरफ करो, हाँ अब मैं दिख रहा हूँ ना कैमरे में, देखो कैमरे में मैं आ रहा हूँ कांच में, सही है ना। ऐसे सैलानी आप फोटोग्राफी भी करके जाते हैं। ऊपर देखो कितने तरीके से जड़ा हुआ है, इसकी खासियत कैसे होती है, जैसे अपन ये सोचते हैं कि एक लाइट सब में प्रकाश कर देगी, नहीं, अलग अलग लाइटें होंगी, जैसे एक लाइट यहाँ हो गई, एक वहाँ हो गई, एक वहाँ हो गई, और अपन यहाँ से चलेंगे ऊपर देखते हुए चलेंगे, तो देखते देखते वो लाइट आगे से आगे चमकती हुई दिखेगी, ये नहीं कि यहाँ से अपने को एक साथ पूरा दिख जाएगा। बहुत ही स्टाइल से टेक्निक से किया गया है, 1639 में इसका निर्माण हुआ था, 6 साल लगे थे इनको बनने में। आइए जरा बात, यह है हमाम, 400 साल पहले महाराजा के पास वो सारी सुविधाएं थी जो आजकल अपने पास भी होती है। इधर देखो गर्म पानी, ठंडा पानी, बाथ टब, चेंजिंग रूम कपड़ा बदलने का, और मसाज रूम, टॉयलेट, वो हर सुविधा थी। और ये कैसे काम में लेते थे, आइए यहाँ से शुरू करेंगे। ये चिमनी है, इसके अंदर आर पार तांबे का प्लेट लगा हुआ है, जिसके नीचे चूना, ऊपर भी चूना, तो कवर्ड है, तो अपन देख नहीं पाएंगे तांबे की प्लेट को। और यहाँ नीचे 2 खड्डे दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर आग जलाई जाती थी, और आग से वो तांबे का प्लेट गर्म होता और पानी गर्म होता था इसके अंदर। ये राजा का गीजर है, 400 साल पुराना गीजर कह सकते हैं, वैसे गर्म पानी करने का बॉयलर है। इस चिमनी को बाहर इसलिए रखा क्योंकि यहाँ से धुआं निकल के काला करती रहती है, लेकिन ये काम अंदर कर रही है, अब अंदर से देखेंगे। आइए, ऐसे टॉयलेट्स होते थे, और इन टॉयलेट से जो निकलने वाला है इधर आकर गिरता था, और यहाँ से मेहतर होते थे, स्वीपर होते थे, जो उठाकर लेकर फेंक के आते थे, पहले वो नहीं था, वो खड्डा होता ना आजकल सेफ्टी टैंक, वो नहीं था पहले। ये जो है, यह है चेंजिंग रूम, कपड़े बदलने का। इसका ऊपर का जो डिजाइन है ये डायमंड शेप में बना हुआ है, जैसे हीरे का डिजाइन नहीं होता हीरा, तो यहाँ जयपुर में नगीनों की घिसाई का काम होता है, कटिंग पॉलिश होती है, तो जो डस्ट होता है वो डस्ट इसमें मिक्स होता था, जो ये चमक रहा है देखो, शाइनिंग कर रहा है, स्पार्कलिंग। अब आइए दूसरे कमरे में, ये वाला था मसाज रूम, स्पा, यहाँ मसाज लेते थे। और इसके अंदर वो जो पानी का टंकी जो मैं अभी बता रहा था गर्म पानी होने का, इसके नीचे आग जलती थी तो इसमें पानी उबलता था, गर्म होता था। और यहाँ पर भी ये ठंडा पानी का है, वो गर्म पानी का। इसके बाद में अच्छी तरह पानी उबलने के बाद में इसके यहाँ से निकल के इसके चारों तरफ फैलता था, स्टीम आती थी, बाप वो बाप भी लेते थे, पूरा मॉडर्न काम था महाराज का। आप इधर आए, यहाँ पर महारानी जी की कुर्सी डल जाती थी, और जब सुबह सूर्य निकलता था वहाँ से सामने से, क्योंकि सूर्य हमेशा इधर से ही निकलता है, तो रानी जी सन बाथ लेती थी विटामिन डी। ये है जकूजी, 16वीं शताब्दी के अंदर बाथ टब, आजकल इसको हम आम भी बोलते हैं, इसको आधा भरते थे, इसमें केसर कस केवड़ा चंदन मिलाया जाता था, इसके अंदर महारानी जी नहाती थी, नहाने के बाद में वो नीचे छेद वहाँ से ड्रेन से निकल जाता था पानी, और ये चारों कोणों से 4 दासियाँ उतर के रानी को नहलाती थी। और ये इनका अटैच टॉयलेट है, ये वॉशरूम है,
महाराजा महारानी जी यहाँ यूज कर सकते थे, उनका प्राइवेट है, अभी लोग गंदा कर जाते हैं इसलिए गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया। हाँ, यहाँ पर दिए जलाए जाते थे, अभी तो अंधेरा है लेकिन पहले दिए जलते थे। ये आमेर का किला है ना, तो यहाँ पर इसका निर्माण राजा मानसिंह जी ने करवाया था 1590 में और ये बनके तैयार हुआ था 1727 में। 5 पीढ़ी राजा की लगी जब बनके तैयार हुआ। राजा मानसिंह, भाव सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, बेसन सिंह एंड सवाई जय सिंह सेकेंड यहाँ से राजधानी ले जाकर 1727 में जयपुर बसा दिया था। उससे पहले यहीं रहते थे राजा। सामने जो पहाड़ के ऊपर आप दीवार देखें, ये 12 किलोमीटर लंबी सुरक्षा की दीवार है, सुरक्षा के लिए बनाई गई है। और जो अपने सामने वो वॉच टावर है, वहाँ पर कई साल बिजली गिरी थी और वहाँ पर 13 लोग मर गए थे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने वहाँ जाना अलाउ नहीं करती। अब यहाँ नीचे देखें, इस चौक का नाम है जलेब चौक। जलेब अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है परेड। यहाँ पर सिपाहियों की परेड होती थी, पहले गार्डन था ये। सामने जो छोटा छोटा दरवाज़ा है और इधर जहाँ से टिकट लिया था, ये सारे दरवाजे घोड़ों के अस्तबल थे, हॉर्स स्टेबल था। इधर वाला गेट है ये सूरज पोल गेट, सन गेट। यहाँ से राजा, राजा का परिवार और उनके मेहमान आते थे। और उधर वाला गेट है चांद पोल, मून गेट, वहाँ से जनता अंदर आती थी। ये एरिया है दीवाने आम, यहाँ तक जनता आ सकती थी और यहाँ पर राजा जनता दरबार लगाया करते थे। यहाँ राजा का सिंहासन वहाँ होता था और यहाँ पर उनके दरबारी बैठते थे। ये 16 खंभे मार्बल के हैं इनमें, और ऊपर वाला है कमल का पत्ता और हाथी का सूंड, वो हिंदू आर्किटेक्चर है, दोनों मिक्स है। तब से राजा मानसिंह जी आगरा में थे और मुगल सेना में सेनापति थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। वो यहाँ के राजा हैं और वहाँ के सेनापति थे। अब आगे आए तो ये वाला है गणेश पोल गेट सामने। इस गेट की आकृति डोली का डिजाइन है, इसके अंदर दीवाने खास और रानी जी बाहर नहीं आती थी, इस गेट से अंदर ही रहती थी। और ऊपर जो जाली है वहाँ से रानी देखा करती थी, उस जाली के भी उस तरफ काला पर्दा लगता था, तो ये डार्क रूम था, अंधेरा। रानी सबको देख रही है लेकिन उनको कोई नहीं देख रहा है। इस गेट की जो पेंटिंग है वो आज भी ऐसे कैसे है, नेचुरल कलर, वेजिटेबल कलर, ऑर्गेनिक कलर की। इसके ऊपर सूर्य के प्रकाश से, बरसात के पानी से कोई असर नहीं आया, एज इट इज है। इस राजा के नीचे 27 गांव थे, उन गांवों को मिलाकर इसका नाम था डूंडार प्रदेश, और आमेर डूंडार प्रदेश की राजधानी था। तो 27 गांवों के 27 मुखिया यहाँ बैठते थे। ये जो सामने दिख रहा है ना 27 कचहरी, हर गांव का एक एक मुखिया बैठ गया। गांव वाले आएंगे अपनी समस्या लेकर और मुखिया के पास जाकर अपने वाले के पास समस्या हल कराएंगे। अगर वो समस्या हल नहीं कर पा रहा है तो वहाँ से मामला ट्रांसफ़र होकर राजा के पास आ जाएगा यहाँ दीवाने आम में। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, वो सेशन कोर्ट है उस ज़माने का। अब आइए थोड़ा उधर, हमाम है इनका, बाथरूम है, उस कोने में किचन और सामने डाइनिंग हॉल था। इस गेट के अंदर जेंट्स अलाउ नहीं थे, सिर्फ महिलाएं जा सकती थी, किन्नर जा सकते थे, लेकिन अभी तो अपन चलेंगे क्योंकि अंदर रानियां थी दीवाने खास में और पर्दा फरता थी, कोई भी जेंट्स अलाउ नहीं था राजा के अलावा। आइए था, इसके नीचे एक गार्डन है जो अपन देखने वाले हैं यहाँ से, जिसका नाम है केसर बाग, केसर की क्यारी भी बोलते थे। यहाँ राजा ने केसर लगाया लेकिन उगी नहीं, क्योंकि राजस्थान का तापमान गर्म होता है। नाम पड़ा हुआ है केसर क्यारी जो, और इसका डिजाइन है कारपेट डिजाइन गलीचे का, जो अभी अपन देखने वाले गार्डन देखो आओ। ये है केसर बाग, यहाँ पर जोधा अकबर फिल्म का गाना शूट हुआ था, कहने को जश्ने बहारा, ऐश्वर्या यहाँ कबूतर उड़ाते हुए दिखाया गया था। और ये झील है, इसका नाम है माउटा लेक। और ये जो नीचे ब्लॉक्स बने हुए ना, ये दो तो यहाँ पे है और 4 इधर की साइड में। ये एलिफेंट स्टेबल थे, हाथी रहते थे, इनको अरबी भाषा में फील खाना बोलते थे। और सामने छत के ऊपर जो कुर्सियाँ लगाए रखी है ना, यहाँ पर लाइट एंड साउंड से होता है रोज शाम को, आज भी होता है। ये एक एक गांव का मुखिया इतनी जगह में बैठता था, इतने ऐसे बैठ गया, डेस्क दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो इस लाइन में 9 इन दिस 9 और 9 इसमें और 9 इसमें, 27 हो गए, 9 3 27। के ऊपर एक टंकी है, उस पानी की टंकी के अंदर केवड़ा जल मिलाते थे
और पानी को देखो झरने द्वारा छोड़ा जाता था, झरना दिख रहा है ना, तो ऊपर से पानी जैसे गिरेगा ना तो उसमें खड्डे खड्डे से हो रहे हैं ना झरने पे, उनसे पानी उछट के जो बूंदे ऐसी लगेगी जैसे मोती गिर रहे हो, इतना खूबसूरत नज़ारा। और ये मार्बल में छेद है, यहाँ से हवा आती थी, हवा पानी वेंटिलेशन अच्छा बन जाता था, इसलिए इसका नाम है सुख मंदिर। और ये फिर पानी बहकर ऐसे बाहर आता था, ये हाँ ये कांच नहीं था पहले और ये भी नहीं था, है ना, ऐसे ओपन पानी जा रहा था। अब ऊपर देखो, ऊपर चार कुंदे लगे हुए हैं, इन कुंदों के झूला डाल दिया जाता था, झूले पर रानी जी बैठ के झूला झूलती थी, ऐसे झूला झूलती थी और अपने पैर पानी में चलाती थी, ऐसा महसूस करती थी कि नदी के किनारे झूल रही हो। उनको बाहर जाना अलाउ नहीं था, तो महाराज ने बजट का कुछ हिस्सा इधर ही खर्च कर दिया कि मैडम एंजॉय हियर, इफ यू आर हैप्पी देन वी आर हैप्पी ऑल्सो। महाराजा सर्दी में नीचे रहते थे, वो विंटर पैलेस है नीचे वाला, सी स्मेल जो देख के आए ना अभी, और इसकी छत के ऊपर है ये समर पैलेस है, गर्मी का निवास। तो यहाँ पर देखिए, एक रानी तो इधर थी, दूसरी रानी उधर थी, और बीच में वो जो तीन दरवाजे दिख रहे हैं वहाँ पर राजा रहता था। अब उसके ऊपर तीन दरवाजों के ऊपर एक पाइप है, देखा आपने, वो पाइप दोनों ओर के डोम से कनेक्टेड है, ये वाला डोम है ना और वो डोम, दोनों पानी की टंकी है। इस पाइप के अंदर ऐसे छोटे छोटे छेद कर रखे हैं ऐसे आर पार, उसमें से पानी ऐसे गिरेगा और नीचे कस ग्रास के पर्दे होते थे, कस कस होती हैं, उसके पर्दों पर ऐसे पानी गिरता रहेगा और हवा क्षण के अंदर जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ये खुशबू वाला एसी हो गया राजा का उस जमाने का, 400 साल पहले भी वो एसी चलाता था बिना बिजली के, अब आ गया। ये है सर्वेंट क्वार्टर्स, आर पार इनके नौकर नौकरानियाँ रहती थी आर पार। और दो कढ़ाई देख पा रहे हो नीचे, इसके अंदर जोधा अकबर फिल्म के अंदर ऐश्वर्या राय को खाना बनाते हुए दिखाया गया था उन कढ़ाइयों में। फिल्म का शूटिंग पूरा होने के बाद में यही छोड़ गए, महल का कोई लेना देना नहीं है, आर्टिफिशियल है। और ऊपर जो किला है वो जयगढ़ का किला, वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी है जय बाण, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, गिनीज बुक में लिखा हुआ नाम है आज भी। उस तोप को एक बार चलाया गया था, 50 किलो का गोला छूटा था और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर चाकसू में जाकर गिरा था, और जहाँ वो गिरा वहाँ पर इतना बड़ा खड्डा हो गया 2 बीघा में से, तालाब बना हुआ है आज भी, गोला तालाब है वहाँ, उसी गोले से बना हुआ, कैनन चलाया था ना जिसने, उसके कानों से खून आ गए थे इतना तेज धमाका था, मिसकैरेज हो गया था औरतों के जो प्रेग्नेंट थी। वहाँ सेना रहती थी, यहाँ राजा रहता था, दोनों किले आपस में जुड़े हुए हैं सुरंग द्वारा, टनल है और वो टनल यहाँ से जा रही है ऊपर, अगर राजा को किसी बात की जरूरत पड़ गई सेना बुलाने की तो तुरंत टनल से यहाँ पहुँच जाएगी। वैसे अगर कोई जाना चाहे तो बाहर से रोड जाकर ऊपर चढ़ती है गाड़ी, ऊपर तक कार ही जाती है। यहाँ पर पहले मीणाओं का राज्य था इस आमेर में, फिर इसको खचावा वंश के राजा काकिलदेव आए, उन्होंने मीणाओं को हरा कर खचावा वंश की राजधानी बनाई 1036 में, 1036। वो जो नीचे है एक पीला महल मकान दिख रहा है जिसके ऊपर दो नीली टंकी रखी है पानी की, आगे गांव में देख पा रहे हैं, और उधर भी दो नीली टंकी। तो ये जो काला पीला बना हुआ है ये है पुराना महल, यहाँ पर 500 वर्ष राज किया, यही राजा बार महल, भगवान दास, मान सिंह, मानबाई, जोधाबाई सब लोग वहीं थे। मान सिंह वहाँ के लास्ट राजा थे, 1590 में उधर से राजधानी इधर लेकर आ गए। यहाँ से 1727 में सवाई जयसिंह सेकंड राजधानी ले जाकर जयपुर बसा दिया, आज भी जयपुर में इनका वंश चल रहा है। राजा है जिसका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह, और वो 25 साल के हैं और 41वीं पीढ़ी चल रही है, 41 जनरेशन अभी भी राजा है जो, इन्हीं के वंशज, किसी राजा के बेटा नहीं हुआ तो गोद ले लिया, लेकिन नाम इन्हीं का चला रहा है खचावा राजवंश। और ये राम जी के दो बेटों का बेटे थे ना, एक लव और कुश, तो ये कुश के वंशज है। जब अभी राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था फैसला, तो उन्होंने जज ने पूछा भी था कि कोई राम जी का वंश का है क्या, तो यहाँ की राजकुमारी जी ने कागज सबमिट किए थे कि हाँ हम है। 843वीं पीढ़ी। ये डाइनिंग हॉल है इसके अंदर, अब इसमें देखो इसकी जो छत की पेंटिंग है आज भी ऐसे कैसे है, कभी रिस्टोरेशन का जरूरत नहीं पड़ा, देखो नेचुरल कलर में। पहले नीचे गलीचा रहता था, नीचे बैठ के भोजन करते थे, बाद में जो टेबल कुर्सी वाला जमाना वो ब्रिटिश काल में आया। आइए, वहाँ पर नीचे का जो शीश महल है वो तो नीचे का विंटर का हो गया, और ऊपर समर का हो गया, और ये गर्मी की दोपहर और मानसून का रेजिडेंस हो गया उनका।
क्योंकि आजकल तो एसी के बटन से कहीं भी कर लो उसी कमरे में, पहले बदलना पड़ता था। यहाँ पर जो आकृतियाँ बनाई है ये मुगल आर्किटेक्चर की, मुगल शैली में बनी हुई आकृतियाँ है उनके बर्तनों की, कोई सुराही है बर्तन है। ये नगीनों के कलरों से होता था लेकिन अभी तो रिस्टोरेशन हो गया इसका। तो यहाँ पर पर्दे रहते थे, ये जो पिलर है वाइट लग रहे हैं, मार्बल के लग रहे हैं, लेकिन एक चूने का लेप किया गया है। उस चूने के अंदर उड़द की दाल, गुड़, गोंद ये मिक्स होता था, उसके बाद में ऐसा पेस्ट बनता है जो मार्बल जैसा लगता है। यहाँ देखिए ये थोड़ा पेस्ट छूट गया, तो ये करोली पत्थर है, रेड स्टोन। ये रानी जी की व्हील चेयर है, चंदन की लकड़ी से बनी हुई, 400 साल पुरानी, और इसके दो टायर आगे हैं, दो पीछे हैं, और बीच में वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ है। और इसके व्हील चेयर के ऊपर जो डिजाइन बनाई है जयपुर की मीनाकारी। ये पुराना दरवाजा है, चंदन की लकड़ी से बना हुआ, और इसके ऊपर जो डिजाइन बनाई है हाथी दांत का है, आइवरी। हाथी दांत का जो बड़ा दांत होता है ना टच, उसके स्लाइस काट काट के देखो ऐसे डिजाइन, और ये डिजाइन सेम इस गार्डन से लिया गया। देखो गार्डन का पैटर्न है, सेम ये डिजाइन यहाँ पे। यहाँ तक तो हो गया इनका दीवाने खास। अब इसके बाद में सेकेंड पार्ट में चल रहे हो मान सिंह महल, राजा मान सिंह जी का, और ये बनाया जय सिंह जी ने, और ये जय सिंह जी का ही था। देखो इसमें भी दो रानी रहने का, ये कमरा तो ये है, और ये एक जिसमें व्हील चेयर रखी है, और बीच में वही राजा का सिस्टम आर सेम। अब आइए अब मान सिंह जी के पास चलते हैं। अब महल के अंदर जो पानी की सप्लाई कैसे होती थी वो दिखाते हैं। ये नीचे जो लेक है माउटा लेक, यहाँ से पानी आता था रहट द्वारा। रहट तो आप समझते ही होंगे, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते थे, ऐसे घुमा, और फिर उसके साथ वो दूसरे व्हील घूमता था आटा वाला, और आटे वाले व्हील के साथ ये रस्सी घूमती थी, और इस रस्सी में देखो मटके बंधे हुए रहते थे आर पार। देखो कैसे बंध रहे हैं, दिखाओ मटके। ये मटके नीचे से पानी भर के आते, ऊपर खाली होते रहते थे, नीचे जाते रहते थे। अभी देखो हाँ, इसका ले लो, इससे फोटो के इसके बारे में जानकारी, व्हील चेयर के बारे में। ये ऐसे तीन चरणों में पानी आता था, ये घुमाया जाता था, इसको घुमाने के साथ वो घूमता था, उसके साथ नीचे से मटके घूम के ऊपर खाली होते रहते थे, नीचे जाते रहते थे, ऐसे बुल पावर से, बैल से, पशु बल से। अभी तो सीढ़ियां कर दिया, पहले रैम था, और यहाँ से बैल आ जाता, देखो मैं दिखाऊं बाहर की बाहर से, यहाँ से आता था बैल। यहाँ से लेके अंदर के दिन, मतलब महल में बैल का जाने का काम नहीं था। और अब इनका टॉयलेट दिखाता हूँ, 16वीं शताब्दी का। वो जो टॉयलेट देखे थे ना वो तो थोड़ा मॉडर्न था, 17वीं शताब्दी का था, ये 16वीं शताब्दी का वॉशरूम देखो, ये है टॉयलेट्स 16वीं शताब्दी के। और यहाँ पानी के मटके होते थे बड़े बड़े, और यहाँ नीचे आग जलाई जाती थी, और इसमें पानी गर्म होता था, एक कॉपर का है, तांबे का मटका है ना, और ये ठंडे पानी के। तो उस जमाने का मॉडर्न वॉशरूम हो गया रानी जी का। स्वयं महाराज यहाँ पर रहते थे, राजा मान सिंह जी उस जमाने में। और ये जो डिजाइने बनी है इनमें बिल्कुल जो यूटेंसल थे वो बिल्कुल नगीने नगीने लगे हुए रहते थे। अब नहीं है, आप तो नहीं है, निकाल ले गए। और यहाँ पर ये पर्दे का रिंग आज भी लगा हुआ है, और रियल संगमरमर है ये। देखो पहले पॉलिश जानते नहीं थे 16वीं शताब्दी में, तो देखो कि तब से ये पिलर पूरे मार्बल के संगमरमर के, लेकिन उस जमाने में भाई इनकी पॉलिश भी होती है। फिर बाद में 1639 में इन लोगों ने सीख लिया कि कैसे पॉलिश होती है, तो इसके ऊपर पत्थर है घिस जाएगा, ऐसे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। जब ये शीश महल में भी ये सेम मार्बल ही है, लेकिन उसमें और इसमें कितना फर्क है, मार्बल जैसा ही नहीं लग रहा दूर से। आइए कुंदे लगे हैं ऊपर, वहाँ पर झूला डाल दिया जाता था, वो मतलब एक कपड़े का पंखा होता था बड़ा पर्दा टाइप का, उसके रस्सी होती थी, उसको ऐसे खेते हैं तो वो ऐसे, और महाराज का नीचे बेडरूम होता था, तो वो मतलब फैन होता था वो नेचुरल। हाँ जी,
यहाँ से इसके अंदर से भी ऐसे आर पार जा सकते थे। राजा को जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगा, एक के पास, बाकी 11 को पता नहीं होगा। और यहाँ पर किन्नर रहते थे इसके अंदर। ये मतलब जितने भी वॉच टावर लगे ना, एक वॉच टावर में 2 रानियों के ऊपर ये निगरानी रखता था। कई रानियाँ आपस में लड़ भिड़ ली तो इसकी जिम्मेदारी होती थी किन्नर की, इसलिए वो ध्यान रखता था। महाराज के पास पैसों की कोई कमी थी नहीं इतने। लेकिन सबसे बड़ी बात वो है कि आर्किटेक्चर कैसे लोग इतना सोच सकते थे बनाने के लिए उस, हाँ ये सबसे बड़ी बात है उनकी। इतने टैलेंटेड लोग हुआ करते थे। कंप्यूटर भी नहीं था कि भाई लिख के रख लिया मेमोरी में, वो तो सब याद रखते थे। ये जो बनाई है ना टोडियाँ, ये कि हाथी का सून टाइप के बनाई है हिंदू आर्किटेक्चर में। देख लीजिए सारा नज़ारा देख लेती थी वो। जो था अकबर फिल्म के अंदर जो वो गाना शूट होता था कहने के जश्न बारा, तो ऐश्वर्या राय तो गार्डन में रहती है और ऋतिक इस जाली के साथ रहता है, वो वैसे देखता है, उसमें दिखाया गया था। और ये जो लाइट एंड साउंड से होता है उसमें ये लाइटें जलाई जाती थी और कहानी के हिसाब से ये लाइटें जलती है बंद होती है और वहाँ से लोग कुर्सियों पर बैठे बैठे देखते रहते हैं। आजकल तो देखो मधुमक्खी के छत्ते बहुत हो गए थे। राजा मान सिंह जी ने अकबर से समझौता कर रखा था जब वो सेनापति बने थे, तो उन्होंने ये समझौता किया था अकबर से कि पूरा जो खजाना आएगा जीतने के बाद में वो तो मेरा होगा और ज़मीन अकबर की होगी। क्योंकि मान सिंह जी जानते थे कि ज़मीन को अकबर ले जाने से रहा और खजाना लाकर जयगढ़ में इकट्ठा करते थे। ऊपर वाला किला है जयगढ़, वहाँ पर बहुत खजाना जमा कर रखा है उन्होंने और उसके नक्शे बने हुए हैं। तो कुछ नक्शे को तो इंदिरा गांधी जी ने फट लिया और उन्हें निकाल के ले गई थी 1975 में, आपातकाल लगाया था जब। नाम लिखने वाली प्रजातियाँ भी है। खैर ये देखो गणेश जी हैं कोने में तो, और बीच में दुर्गा माता शेर के ऊपर बैठी हुई है माँ दुर्गा, और ये शिव जी लास्ट में कमंडल लिए हुए और वो डमरू लिए हुए हाथ। यहाँ के जो महारानी जी थी, जैसे स्पेशल फेस्टिवल है, फेस्टिवल के ऊपर या कोई शादी ब्याह में स्पेशल ओकेजन के ऊपर रानी जी इतना ज़्यादा गहना पहन लेती, लगभग 10-12 किलो का तो गहना और लगभग 15 किलो की उनकी ड्रेस। तो इतना एक्स्ट्रा वजन होने की वजह से रानी जी चल भी नहीं पाती थी, इसलिए राजा ने रानी जी के लिए व्हील चेयर बनवाया। 2 टायर आगे लगाए, 2 पीछे लगाए, अभी वो व्हील चेयर भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो उस व्हील चेयर को चलने के लिए रैंप बनवाया। यहाँ से शुरू होती थी मैडम की व्हील चेयर ऑल द वे अप, और इसी टेक्निक के मद्देनजर हॉस्पिटल में जो होते हैं ना रैंप, वो पहले ही बना गया थे, तो इसी को देखकर बने थे फिर। तो अपन यहाँ से जैसे चाहते तो ऊपर से घूम के आते हैं ना, तो भी वही बात है, और यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं तो भी चलेंगे यहीं आ जाओ। ये है सुहाग मंदिर, वहाँ दिखाओ। यहाँ से महारानी जी महाराज का स्वागत भी करती थी और यहाँ से देखा करती थी, सब कुछ देखती थी रानी जी। लेकिन रानी जी को कोई देखे नहीं, इसलिए यहाँ पर ब्लैक कर्टन काले पर्दे लगते थे। एक रानी उधर, एक इधर, लड़ाई का मामला इधर भी नहीं था। इसमें फूल का आकृति बना हुआ है, फ्लावर, कौन सा है, हिंदू आर्किटेक्चर। ये है अगर इस महाराजा के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो राजा को बचने का जरूरत पड़ रहा है, तो यहाँ से निकलेंगे और ये सीधा जा रहा है जयगढ़ के किले। अभी तो खैर नहीं, बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन इसके अंदर ऐसा भूल भुलैया बनाया कि अगर राजा तो चला गया, उसको पता है कैसे रास्ता जा रहा है ऊपर, अगर दुश्मन पीछा करेगा तो दुश्मन अटक जाएगा अंदर ही, उसको ये पता नहीं चलेगा कि बाहर जा रहा है कि अंदर चल रहा है, अंदर ही घूमता रहेगा, ऐसा कुछ बनाया अंदर। लेकिन कभी इसका जरूरत पड़ा नहीं, क्योंकि कभी किसी ने राजा के ऊपर हमला किया नहीं। इन राजाओं के पहले तो मुगलों से थी रिश्तेदारी, बाद में ब्रिटिश के नीचे भी थी। देखो 1707 में औरंगजेब मर गया, उसके बाद में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद में 1730 से 1947 तक ब्रिटिश आ गए, तो 217 साल अंग्रेजों ने भी राज किया था। तो ये महाराज ब्रिटिश काल में उनके नीचे थे, अधीन काम करते थे, लाइक टैक्स पे करते थे उनको। यहाँ से रानी आए व्हील चेयर में बैठ कर आती थी, तो रानी जी को कोई देखे नहीं, इसलिए ऐसा तिरछा डिजाइन कराया। ये डिजाइन देखो,
लाइट एंड वेंटिलेशन होगा लेकिन कोई देखेगा नहीं रानी जी को। आगे आई, यहाँ पर दिए जलते थे तेल के, अभी तो ये कलयुग वाली लगा दिए, कलयुग में जलते हैं। ये 16वीं शताब्दी का राजा मानसिंह जी का महल है, ये पूरा चूने और पत्थर से। 16वीं शताब्दी में ऐसे दरवाजे की नक्काशी होती थी, देखो कितनी खूबसूरत छैनी हथौड़े थे। अब राजा मानसिंह जी मुगल सेना में सेनापति थे और उनके 12 रानी थी। जो अभी मैं दो रानियों की बात कर रहा था वो तो जयसिंह जी के थे और ये मानसिंह जी थे, जयसिंह जी मानसिंह जी के पोते थे। मानसिंह जी 12 रानियों को साथ रखने का रिस्क ये भी नहीं लेता था, हर रानी को अलग अलग रखा। एक तो एक कोर्ट यार्ड है और एक ये कमरा जहाँ मैं खड़ा हूँ, एक अंदर कमरा और दो कमरे, ये सारा एरिया एक रानी का है। ऐसे 12 रानियों के 12 महल बनाया राजा ने, और राजा ने सेम ऐसा का ऐसा ऊपर बना रखा है वो रानी जी के लिए। अब राजा ऊपर से आएगा रानी के पास, देखो इस महल, मतलब राजा ऊपर और रानी नीचे रहती थी। तो सीढ़ी से राजा आ गए रानी के पास, बाकी की 11 रानियों को ये पता नहीं चलेगा कहाँ है, किस रानी जी के साथ है, क्योंकि पता चल गया तो लेने के देने पड़ने का खतरा बना रहता था पहले भी। इसलिए इसको खूफिया बनाया और इसको बनाने में 25 वर्ष लगे, 25 ईयर टू बिल्ड दैट एरिया। आइए, इधर से राजा उतर के रानी के पास आता था सीढ़ियों से। ये 16वीं शताब्दी की जकुजी है बाथ टब, इसमें महारानी जी नहाती थी 16वीं शताब्दी में। बाकी की 11 रानियां बाल्टी से काम चलाती थी, ये रानी स्पेशल थी क्योंकि इसका बेटा आगे का राजा बनता था। बाकी रानियों के बेटे गाँव में जाकर ठाकुर बनते थे ना, जो जागीरदार होते ऐसे बन जाते थे। एक रानी का, पहली वाली रानी जो पटरानी होती है उसी का बेटा राजा बनता था। अब इधर से आए, ये देखिए ये दूसरी रानी का घर है पूरा आर पार। रानी जी की लाइफ ऐसी थी जैसे जेल में हो, बाहर जा नहीं सकती थी इसलिए अंदर रहते थे, लेकिन फिर भी वो लोग खुश थे क्योंकि उनको दुनिया के बारे में पता नहीं था कि दुनिया भी है कुछ, वो यहीं खुश थे। हर रानी अपने साथ लगभग 10-12 दासियाँ अपने पिताजी के घर से लेके आती थी, क्योंकि यहाँ की दासियों पर विश्वास नहीं था, षड्यंत्र चलते रहते थे। वो दासियाँ इधर उधर घूम के रानी जी को ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकती थी कि मैडम ब्रेकिंग, आज तुम्हारा आज उधर थे, पूरा पता रहता था। रानी जी के पास खुफिया तंत्र है तो रानी सुरक्षित है, अगर उनका खुफिया तंत्र समय पर न्यूज़ नहीं मिल पाई तो खतरा भी हो सकता है कि कोई भी अपने पति को नहीं बांटना चाहेगा। यहाँ तो 12-12 मामला था। राजा गाने का रास्ता वह है। अब राजा मानसिंह जी के लिए बताया जाता है कि 12 रानी लाने के पीछे का कारण ये था, राजनीतिक कारण, पॉलिटिक्स, क्योंकि ये मुगल सेना का सेनापति है और मुगल सेना इतनी बड़ी रहती थी, जिसको लेकर ये किसी राजा के ऊपर हमला करने पहुंच रहा है तो वो राजा समझ जाएगा कि मैं तो जीत नहीं पाऊंगा, तो इनसे रिश्तेदारी करने के लिए अपनी बेटी की शादी करवा देते थे। ऐसे 12 रानियां, और कहा जाता है महाराज एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, इसलिए हिंदू धर्म में अगर पत्नी लकी होती है तो पति पर कोई खतरा संकट आता नहीं है। इसलिए ये भी कहते हैं कि उसने 12 राशि की 12 रानी रखी, जैसे मिथुन, कुंभ, मकर, करक, सब प्रकार की राशियाँ। आज मिथुन लकी है, कल कुंभ लकी है, परसों मकर लकी है। राजा 365 दिन खतरे से बाहर हो गया, साल भर का बंदोबस्त कर लिया क्योंकि खतरे से। आइए, वो राजा गाने का रास्ता है। ये जोधा अकबर फिल्म के अंदर शूटिंग का सीन फिल्माया गया था, ऋतिक और ऐश्वर्या को तलवारबाजी करते हुए दिखाया जाता है, है ना। तीन रानी इधर थी, देखो 1, 2, 3, फिर 3 इधर, 1, 2, 3, फिर 3 उधर सामने, 1, 2, 3, और फिर 3 इधर, टोटल 12 हो गया। और महाराज वहाँ रहते थे ऊपर, फिर वहाँ से राजा ऐसे चलते थे, कहीं भी उतर सकते हैं। हर रानी के चैम्बर में सीढ़ी है, बाकी 11 को पता नहीं। ये वॉच टावर थे, इन वॉच टावरों के अंदर किन्नर रहते थे, जब राजा वहाँ से आता तो आवाज़ लगाते थे महाराज पधार रहे हैं, तो रानियाँ और अंदर बैठ जाती थी। इस पार्ट का नाम है 12 दरी, क्योंकि इसके 12 दरवाजे हैं, जैसे 3 दरवाजे इधर से, 3 इधर से, 3 उधर से, क्योंकि इधर की 3 रानियाँ 3 दरवाजों से। ऐसे पूरी 12 रानियाँ एक साथ यहाँ मिलती थी और राजा बीच में रहते थे, तो मीट एंड ग्रीट होता था वो, क्योंकि राजा रहते नहीं थे कभी, महीने, 2 महीने, 4 महीने में कभी छुट्टी आते तो यहाँ मिलते थे सबसे। मिलने के बाद में रानियाँ अपने अपने घरों में चली जाती थी और महाराज अपने घर में चले जाते थे। और जो मैं अभी दूरबीन दिखा रहा था ना, वहाँ
ऐसे दूरबीन पहले भी होते थे, तो ये जो दीवार बनाई इसलिए बनाई कि कोई दूरबीन से जयगढ़ वाले किले से या रानियों को नहीं देख ले, इतनी सुरक्षा है। वैसे राजा का यही नहीं, इनमें भी कभी निवास कर सकते हैं, चारों कोणों में चार बना रखे, चार महल बने हैं। इसको सीधा रखते थे जमीन में दबा के, तो इसको आधा दबाते थे, इसमें ठंडा पानी रहता था। अब यहाँ तक तो राजा रानियों का काम यहाँ तक था, अब इसके आगे चल रहे हैं वो दासियों का, नौकर नौकरानियों के, उनके टॉयलेट बने हुए हैं जो देखेंगे, उसके बाद में एग्जिट हो जाएंगे। अगर यहाँ से आइए भूल भुलैया वाले रास्ते, कहीं से भी निकलो, कहीं भी निकल जाओगे आप, ऐसे रास्ते बनाए उसने राजा ने। इस महल में टोटल 99 टॉयलेट हैं, 99 पूरे। और देखते हैं यहाँ, ये नौकरों के लिए होते थे, ऐसे बैठ जाती थी वो दासियाँ, साथ में कोई शर्म भी नहीं आती थी उस ज़माने में तो, अरे बह के पानी वो बाहर चला जाता था उधर की तरफ। ऐसे हर कमरे में टॉयलेट है, यहाँ भी है, आगे भी है, तो कुछ को तो तोड़ के गवर्नमेंट ने मॉडर्न कर दिया और बाकी आज भी पहले की तरह है। लेकिन इसकी खास बात, कभी बिना गाइड के लोग आ जाते हैं, वो चूल्हा बता के निकल लेते हैं, हाँ ऐसे ही कर जाते हैं ऐसा जी। ये दीवारों की मोटाई देखें, कितने भूकंप अर्थक्वेक कितने भी आए हैं ना, कभी हिली नहीं ये दीवारें। इसमें चूना और पत्थर है, मोटी इसलिए करते थे ताकि ये हिले नहीं, गिरे नहीं। और ये नौकरों के अंदर जाने के रास्ते थे, नौकर मतलब उधर सेवा में जाती थी ना वो दासियाँ, क्योंकि ये सर्वेंट क्वार्टर आ गया अपन चल रहे हैं जिसमें। इसके पीछे की तरफ आकर हाथी खड़ा होता था, वहाँ पर राजा बैठता था, देखो वाला आगे वाला वो है ना ऊपर वाला बन रहा है, वहाँ राजा चल जाते थे सीढ़ियों से, फिर हाथी पर बैठ जाते थे। ये वेंटिलेशन थे, यहाँ पर हवा आने के लिए बनाए हुए हैं वेंटिलेशन। अब यहाँ से सर्वेंट क्वार्टर शुरू हो गए, और अभी ये सीसीडी बना दिया है यहाँ मॉडर्न, और ये छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे रास्ते, मतलब कहीं से भी आप को जैसे रानी जी बुला रही हैं तो तुरंत चले जाएंगी। ये पूरा दासियों का क्वार्टर। ऐसे ज्वेलरी बॉक्स गहने के होते थे, अभी तो ये खाली है, दिखाने के लिए रख दिया यहाँ। हर रानी के पास एक ऐसा ऐसा बॉक्स है, ऐसे 12 रानियों के 12 हो गए, अभी तो बाहर लाकर रख दिया ताकि अपन देख सकते हैं। इसमें सेंटर लॉक सिस्टम भी होता था। ये तो बिना टायरों का है, टायरों वाले भी देखेंगे पहले, घोड़ों के बांध बांध के खींच के लाते थे ना सुरंग। ये सुरंग का रास्ता जयगढ़ फोर्ट में जा रहा है, ऊपर वाला किला था ना जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी थी, वहाँ जाने का रास्ता था ये। लेकिन अभी नवरात्रों की वजह से बंद है, हो सकता है कल से खोल दिया जाए। हाँ खुलेगा कल से। और ये जो कढ़ाइयाँ अपन ऊपर से देख रहे थे ना अभी, आर्टिफिशियल है, आशुतोष गोरीकर बना के लाए थे फिल्म शूटिंग के लिए, जोधा अकबर के लिए, फिर ऐश्वर्या राय ने इसमें वो भोजन बनाते हुए दिखाया गया था फिल्म में, तो वो यहीं छोड़ गया। लेकिन कुछ लोग देखो सिक्के डाल रहे हैं, आमेर को अजमेर बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे भी आते हैं। ये इधर वैसे तो नौकरों के थे उस ज़माने में तो, लेकिन अभी आर्ट गैलरी मीना बाज़ार बनाया हुआ था, उसका भी अभी वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो अभी बंद है।